जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें एग्ज़ाम डेट को भी जो है मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट क्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम के जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लगभग आपको 40 से 50 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 11 फरवरी की बात हो रही थी कि 11 फरवरी से जो है इसकी एग्ज़ामें शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर अब आपके पास कितना समय बचता है और उस कम समय में आप कैसे करेंगे तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए और बुक के बारे में बात करेंगे कि कौन सी बुक आप लोगों को लेनी है, बेस्ट बुक्स आप लोगों के लिए क्या होगी, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, सारी चीज़ें क्या प्लान होना चाहिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित ही आप लोग सफल हो गए यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे बढ़ते, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझा के जाऊंगा। चलिए यहां पर बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है सिलेबस का। जी हाँ, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे, सिलेबस क्या है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ। 300 अंकों की परीक्षा होने वाली है जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ठीक है, संख्यात्मक मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग और मैथ्स ही आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, और याद रखिएगा 0.5 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये रहने वाली है। ठीक है, और एक प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर रखे गए हैं टॉपिक वाइज, और पूरा फुल डिटेल सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस का जो है देखना है कि सिलेबस में क्या क्या आप लोगों का टॉपिक रखा गया है। ठीक है, टॉपिक वाइज, और आपको उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आपके पास बचे हुए समय में आप लोगों को जो है कम समय में अच्छा जो है वो आप लोगों को स्ट्रेटेजी अपनाना होगा, तभी यहाँ पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के छात्र वीडियो देख रहे हो गए, ये पहले छात्र हैं जो लगभग 6 महीने, 4 महीने या 2 महीने से किसी एग्ज़ाम की या फिर यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे वे छात्र जो अभी सोकर उठे हैं और उनको अब बताना है कि किस तरीके से अब सही सारी चीजें हो जाए। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए यहां पर मैं बात करूंगा। तो देखिए, पहले उन छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ जो पिछले 6 महीने से या फिर 4 महीने से या 2 महीने से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरीके से पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। उनको क्या करना है, उनको लेना है सबसे पहले ये सॉल पेपर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ये सॉल पेपर है जिसमें 2006 से लेकर 2020 तक जितने भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे गए हैं उनके सेट आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ये बुक आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए सबसे पहले वे छात्र देखिए जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और उनको अब बूस्ट करना है अपनी तैयारी को, तो आप क्या करिए, देखिए अब आपके पास जो है डिटेल से बुक पढ़ने का समय अब बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल पढ़ने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका होता है कि कोई स्टूडेंट जो है एक बुक को जो है एक बार पढ़ता है, ठीक है, या फिर 1000 बुक को एक बार पढ़ता है, लेकिन एक ही बुक को 1000 बार पढ़ने वाला छात्र जल्दी सफल होता है, इसकी आपको जो है ये पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, आप अभी तक जितना पढ़े हैं आप वहाँ पे उसको रोक दीजिए। दूसरी चीज़, आप अब जो है किसी भी YouTube चैनल से, ठीक है, किसी भी YouTube चैनल से आप किसी भी हो सकता है कि वो अच्छा, मतलब कोई भी YouTube चैनल हो, मैं कोई भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा यहाँ पर कि आप किसी भी ये YouTube चैनल से पढ़िए या YouTube चैनल से, अब वो आप लोगों को जो है क्रेश कोर्स टाइप जो है एक क्लासेस चलाएंगे जिसको आपको देखना है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो रिविज़न क्लासेस होगी जिसको आपको देखना है अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ क्लास आप पूरी देखेंगे, 4 सब्जेक्ट है, 4 क्लास आप देख सकते हैं, उसके बाद जो है आपको समय देना है इस प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, एक घंटा या फिर आप बोल सकते हो 1.5 घंटा या 2 घंटा आप एक प्रैक्टिस सेट को दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप एक जो है न्यू जो भी टेस्ट सीरीज़ है वो आप लगाइए। ये 4 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले 4 क्लासेस आपको देखनी है, ठीक है, जो भी क्लासेस है 4 क्लासेस आपको देखनी है। ठीक है, जो भी YouTube चैनल से आप देख रहे हैं 4 क्लासेस आपने देख लिया,
उसके बाद आप क्या करिए, ये जो आपका टेस्ट है या फिर प्रैक्टिस सेट है वो आप एक लगाएंगे। उसके बाद आप जो है दूसरी चीज़ नया जो है टेस्ट सीरीज कहीं से भी ले सकते हैं और वो टेस्ट सीरीज लगाइए। इतना अगर आपने 40 दिन कर लिया तो 100% आपकी एग्ज़ाम निकल जाएगी, ठीक है, आपका स्पीड मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत बेस्ट होगी, और जो आगा आपका स्पीड है, ठीक है, आपकी स्पीड जो है वो भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब जो वो छात्र है जो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि ये जो बुक है वो आप ले लिए, ठीक है। आपके पास जो समय है उसको अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। बेस्ट बुक की मैं जो बात कर रहा था, ये अंकित भाटी की बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। इसमें आप लोगों के सिलेबस वाइज सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। हर चीज़ों को जो है इन्होंने यहाँ पर बुक में जो है दिया है, हर सब्जेक्ट वाइज, और साथ में आपको जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर का जो है सेट भी मिल जाएगा। तो ये आप ले सकते हैं, जिसमें मैथ्स की, रीजनिंग की, कॉन्स्टेबल की और हिंदी की। ये बुक आप पढ़िए, आप YouTube को छोड़ दीजिए, आपको अभी YouTube अब नहीं पढ़ना। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको अभी बेसिक से शुरू करना है, क्योंकि आप यहाँ पर YouTube से भी अगर पढ़ेंगे तो आपके इसमें कुछ घुसेगा नहीं है, ठीक है। क्योंकि YouTube पर आप जो भी क्लासेस, जो भी YouTube चैनल करवाएंगे वो बिल्कुल भी जो है रिविज़न क्लास होगी, वो बेसिक से नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आपको सारी बुक एक बार जो है खुद से पढ़नी होगी, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं, ये भी बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। पूरा सेट इनका 750 का या फिर कुछ इनका है, ठीक है। मैं किसी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, उन दोनों छात्रों को लेके चल रहा हूं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप किसी भी मतलब ग्रुप में आते हो गए छात्र, ठीक है, आपका दोनों का मैंने यहाँ पर बता दिया है 40 दिन या 50 दिन का प्लान, आप उसमें कैसे अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तैयारी में लग जाइए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, बेस्ट ऑफ लक।